सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी मेड लाइफ टाइम हाई टुडे, बट हिंदी में एक कहावत है, किसी की मनी दिवाली तो किसी का निकला दिवाला। लास्ट फ्राइडे जिन्होंने बैंक निफ्टी पर लॉन्ग के पोजीशंस बनाए, आज तो उनकी दिवाली मनी है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज। बट जो ट्रेडर्स फ्राइडे को पुट साइड पर अपने पोजीशंस बनाए थे, उनका तो आज सच में दिवाला निकल गया। तो केवल दो तरीके का लोग हैं जो आज रिलैक्स्ड हैं, एक तो जिन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाए ओवरनाइट के लिए, एंड सेकेंडली जिनका पोजीशंस हेज्ड हैं। तो ध्यान रखें एक लेसन कि जब भी आप ओवरनाइट कोई भी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपनी जो पोजीशन है उसको हेज करके चले। तो ऐसे सिचुएशन पर जहां पर आपको एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, ऐसी सिचुएशन पर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हो, 43,991 दिस वाज आवर ब्रेकआउट लेवल। तो बैंक निफ्टी पर हमारे जो ब्रेकआउट लेवल है उससे काफी ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, एंड फर्स्ट कैंडल पर हमें मिलता है सुपर बाई। व्हाट इज अ सुपर बाई? जब दो अलग अलग इंडिकेटर सेम कैंडल पर बाई सिग्नल जनरेट करता है, देन वी कॉल इट एज अ सुपर बाई। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो स्टॉक स्क्रीनर है, यहाँ पर भी सुपर बाई डिस्प्ले होगा। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे, आपको चार अलग अलग इंडिकेटर मिलेगा जो कि एक ही इंडिकेटर पर मर्ज्ड है। वन इज पुल बैक, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम होता है। सेकेंड वन इज पुल बैक प्राइस एक्शन, जिस पर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ट्रेड लेते हैं। थर्ड वन इज पुल बैक मोमेंटम, एंड फोर्थ वन इज पुल बैक रेंज ब्रेकआउट, उसके साथ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ए स्टॉक स्क्रीनर। 9:15 की कैंडल पर पुल बैक रेंज ब्रेकआउट एंड पुल बैक मोमेंटम, दोनों इंडिकेटर ही सेम कैंडल पर बाई सिग्नल दिया है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ट्रेड लेना पॉसिबल ही नहीं है। एक तो इतना ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, नंबर वन स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज, जो सुपर बाई मिला है दैट इज ऑन अ रेड कैंडल, एंड दैट टू ऑन दिस टाइप ऑफ कैंडल जिस कैंडल के विक्स काफी लंबा है। नॉर्मली जब भी बाई या सेल सिग्नल मिलता है ऑन सच टाइप ऑफ कैंडल, वी इग्नोर। उसके बाद आप देखो धीरे धीरे बैंक निफ्टी इस लेवल तक आता है, एंड दिस इज आर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन पर हमें मिला है एक डाउनसाइड रिवर्सल। तो यहां पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी जैसे ही सप्लाई जोन को छुआ, छूने के बाद एक डाउनसाइड रिवर्सल दे रहा है, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी रेड कलर का होना चाहिए, एंड इट शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स। तो आप यहां पर ट्रेड पर एंट्री ले सकते हैं, आप पी बाई कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो यू कैन सेल कॉल्स, एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये सप्लाई जोन के थोड़ा सा ऊपर। पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करके चार्ट पर प्लॉट कर देता है, आपको अलग से कोई भी सप्लाई जोन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन आर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, आज ज्यादा तो नहीं बट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रेंज में हमें एक ट्रेड मिला है। इसी के साथ मैंने अपना वॉचलिस्ट भी शेयर किया था ऑन पुलबैक लेवल्स चैनल। जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे, आपको लाइफ टाइम के लिए पुलबैक इंडिकेटर्स की लर्निंग चैनल की एक्सेस मिलेगी। एट द सेम टाइम आपको 30 डेज के लिए पुलबैक लेवल्स की चैनल का एक्सेस मिलेगा, जहां पर हम एक दिन पहले बैंक निफ्टी एंड निफ्टी स्टॉक्स क्रूड ऑयल के लेवल्स लाइव लेवल्स शेयर करते हैं। तो आज मैंने बैक टू बैक दो वॉचलिस्ट शेयर किया था। द फर्स्ट वन वॉज ऑन 44,200 CE, यहाँ पर आप कह सकते हो छोटा सा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हुआ है, बिकॉज 10 पॉइंट का तो कोई टारगेट लेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब हम स्कैल्पिंग करते हैं कम से कम एटलीस्ट वी ट्राई एम फॉर 20 पॉइंट्स, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हुआ है ऑफ 20-30 पॉइंट्स। एंड उसके बाद 44,500 पर मैंने PE शेयर किया था, जिस पर एटलीस्ट इस वॉच लिस्ट पर कम से कम 20 पॉइंट्स मिला है फॉर स्कैल्पिंग। तो मोरलेस आप ये कह सकते हो आज जो मैंने अपना वॉचलिस्ट शेयर किया था ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला है, कुछ खास हुआ नहीं है। ये वॉचलिस्ट मैं शेयर करता हूँ फॉर एडुकेशनल पर्पस, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। सिमिलरली अगर आज निफ्टी की चार्ट देखूँ तो दिस वॉज आर ब्रेकआउट लेवल, काफ़ी ऊपर ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, एंड अगेन दिस इज आर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर सप्लाई जोन। ज्यादा तो नीचे नहीं आया क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं,
डेफिनेटली जो सेंटिमेंट है वो तो ऊपर की तरफ ही है। अब क्रूड ऑयल की चार्ट को एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं। क्रूड ऑयल पर मिला है हमें ट्रायंगल ब्रेकआउट एंड ये ट्रायंगल पैटर्न पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके चार्ट पर प्लॉट कर देता है। ट्रायंगल पैटर्न बना है एंड यहाँ पर हो रहा है ट्रायंगल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अभी भी नीचे जा रहा है। कमोडिटी की मार्केट रात को 12 बजे के आसपास बंद होता है तो मार्केट अभी ओपन है, देखते हैं प्राइस कहाँ तक जाता है। कुछ स्टॉक्स को भी बैकटेस्ट कर लेते हैं। SBI की चार्ट है, बाई सिग्नल मिला है 9:15 की कैंडल पर, बट वील इग्नोर बिकॉज द बाई सिग्नल इज ऑन अ रेड कैंडल। 11 बजे के आसपास हमें मिलता है एक बुलिश रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट मिलने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी हियर टिल आर कंटिन्यूस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर के जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन तक गया, फिर छूने के बाद अगेन नीचे। इंडिकेटर के साथ हमारे जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो लिंक्स हैं आपको मिल जाएगा। SBI कार्ड्स अगेन हमें मिला है डाउनसाइड रिवर्सल, प्राइस ने सप्लाई जोन को छुआ, छूने के बाद ए शार्प फॉल। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ट्राई टू यूज पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, बहुत कम ट्रेड्स मिलता है बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा है। पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर नॉर्मली हमें अपसाइड एंड डाउनसाइड रिवर्सल पर ज़्यादातर ट्रेड मिलता है एंड मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर प्राइस सप्लाई जोन को छूता है तो आउट ऑफ 100 टाइम्स 90 टाइम्स प्राइस नीचे ही आ जाता है आफ्टर टचिंग द सप्लाई जोन। तो काफ़ी इफेक्टिव इंडिकेटर है, आप इस इंडिकेटर को फॉलो कर सकते हो, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। एक्सिस बैंक अगेन सेम सिनेरियो, प्राइस ने सप्लाई जोन को छुआ, छूने के बाद लुक एट दिस फॉल। जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट होना चाहिए, आप मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पर चला पाएंगे। अगर आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो ये इंडिकेटर आपके लिए है। इस इंडिकेटर की मदद से आप इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर मार्केट प्लेस पर ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।